यहाँ पे चार लड़कियां यहाँ पे जेल प्रेरी में फिजिकल में पास होके आई हैं। भोपाल में जो जेल प्रेरी का फिजिकल चल रहा है 2019 का, उसमें चार को चारों लड़कियों ने फिजिकल मारा है। कल हमारे पांच बॉयज का भी फिजिकल था, तो पांच लड़कों में से पांचों लड़कों ने अपना फिजिकल पास किया है। इनमें से पहले तो शिवा साहू से आपको मिलवाते हैं। तो शिवा साहू का जो जेल प्रेरी में सिलेक्शन हुआ है, तो शिवा का पहले यहाँ ग्राउंड पे टाइमिंग कितनी आती थी? 3:43 ग्राउंड की टाइमिंग थी यहाँ पे हमारे स्टेडियम में, और वहाँ पे कितनी लगाई है? 3:43 से 3:35 लगाई है इन्होंने। जवाब बहुत बढ़िया। बोला कितना आता था यहाँ पे? 16:30। और वहाँ पे कितना आया? वहाँ भी 16:30 एक ही बार में आया। तो एक ही बार में गोला कंप्लीट किया है। यहाँ पे अंजू मीना है जो कि एनएफएल से है। अंजू मीना की टाइमिंग क्या आती थी ग्राउंड पे? 3:47। तो 1:47 इनकी टाइमिंग आती थी, और वहाँ पे कितनी टाइमिंग निकाली है? 3:35 वहाँ पे टाइमिंग निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है। गोला यहाँ कितना आता था? 16। जब ग्राउंड ज्वाइन किए थे तब कितना आता था? 16 से कम आता था। और वहाँ पे कितना फेंक के आयो? वहाँ पे 18 फेंक के आए। और 3:35 इन्होंने टाइमिंग मारी है वहाँ पे, जिसमें से जब ग्राउंड ज्वाइन किया था तब कितनी आती थी टाइमिंग? 4 मिनट इनकी टाइमिंग आती थी, और वहाँ पे 3:35 में ये फिजिकल मार के आए हैं। और एक और क्या नाम है, रीना भील, जो भी ये भी एनएफएल से ही है। स्टार्टिंग जब इन्होंने ग्राउंड ज्वाइन किया था तब टाइमिंग कितनी थी? 4:10 वहाँ पे टाइमिंग आती थी रीना की। और गोला कितना आता था? गोला तो अच्छा आता था। ठीक है, तो 4:10 टाइमिंग ग्राउंड पे आती थी जब यहाँ दौड़ते थे स्टार्ट किया था। और वहाँ पे अभी टाइमिंग कितना निकाल के आयो? 3:20 वहाँ पे लगा के आए। ठीक है, 4:10 ग्राउंड पे टाइमिंग आती थी जब ज्वाइन किया था, और 3:20 में भोपाल में इन्होंने फिजिकल मारा। गोला कितना लगाया? 19 के लगा के आया वहाँ पे, जिसमें गोला 16 फीट अपने चाहिए था, गोला नहीं आता था वहाँ पे, गोला 19 फीट इन्होंने वहाँ गोला मारा है। 4:10 टाइमिंग आती थी, 3:20 मारी है। यहाँ पे मेगा शर्मा, जब मेगा ने ग्राउंड को ज्वाइन किया था जब टाइमिंग कितनी आती थी? 4:40 जब मेगा यहाँ ग्राउंड पे दौड़ने आई थी, लगभग कितने 15-20 दिन की अपन ने ट्रेनिंग ली है, लगभग 20 दिन उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है। जब मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया था तो उम्मीद उनको थोड़ी कम थी, टाइम निकल चुका था, लेकिन उन्होंने कवर किया, स्टार्ट किया ग्राउंड आना। 4:40 इनकी टाइमिंग आती थी, और फाइनल भोपाल में जाके कितनी टाइमिंग मारी है? 3:50। भोपाल में जाके इन्होंने 3:50, मात्र 15 दिन की तैयारी में 3:50 वहाँ पे इन्होंने टाइमिंग मारी है। जब ग्राउंड ज्वाइन किया था जब गोला कितना आता था? जब ग्राउंड इन्होंने ज्वाइन किया था गोला 15 आता था, और वहाँ पे भोपाल में कितना आया? 16:30 एक ही बार में, दो बार में, तो 16:30 वहाँ पे इन्होंने गोला निकाला है। तो ये लोग थे हमारे आज के स्टूडेंट जो कि पास हो गए हैं। अभी और भी बच्चे हैं, लगभग टोटल सिलेक्शन अपनी अकेडमी से अभी तक 18 बच्चों का हो चुका है। टोटल बच्चे अपने यहाँ से 18 बच्चों का हो चुका है, एक भी गर्ल्स अभी तक फेल नहीं हो पाई है। अच्छी बात ये है, जितनी लड़कियाँ गई हैं पूरी लड़कियाँ पास होके आई हैं। तो यहाँ पे पहले शिवा आपको बताएंगी कि शिवा ने कैसे क्या तैयारी की है और कैसे आप लोगों को तैयारी करना है। सबसे पहले गौरव सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया है। शुरू से ही फिजिकल चीज़ों एक्टिविटी में नहीं रही हूँ मैं, जैसे ही एग्ज़ाम दिया फिजिकल में सिलेक्ट हुए तो सर के पास ज्वाइन किया। सर ने दौड़ना सिखाया, गोला फेंकना सिखाया, और हाँ जिंदगी सिखाना जिंदगी सीखना सीख गए। थैंक यू सर कि आपकी गारंटी की वजह से शायद मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मेरा गोला नहीं क्लियर था तो मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर सर ने कहा था इस लड़की की गारंटी ले रहा हूँ मैं कि ये क्लियर करके आएगी। एंड फाइनली थैंक यू सर कि आपकी वजह से हुआ। मेरे पहले तो रनिंग का क्रेडिट सर को देती हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, बट सर ने बोला कि तुम जरूर करके आओगे और मैंने क्वालिफाई करके बताया सर। मैं अपने फिजिकल क्लियर होने का पूरा क्रेडिट सर को दूंगी, सर की वजह से ही मेरा। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि एक तो पहले शिवा को हाइट था, सबसे बड़ा हाइट के लिए पूरा डाउट था। शिवा ने सोच लिया था कि सर मुझे
फिजिकल देने नहीं जाना क्योंकि पिछली बार शिवा का जो हाइट में है बाहर हो चुकी थी। जेल पेरेडी पहले भी इन्होंने फिजिकल दिया था तो उसमें हाइट में ये बाहर हो चुकी थी, लेकिन इस बार हमने इनसे बोला फिजिकल जाने से पहले, तीन दिन पहले शिवा को हमने बोला कि दुनिया का कोई व्यक्ति फेल हो जाए मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर तुम जाते हो तो तुम बिल्कुल हाइट में पास होके आओगे। इस साल मैं पिछली बार फेल हो चुकी हूँ, मैंने इनको बताया कि इस तरीके से आप अगर खड़े होते हो तो 100% मैं कह रहा हूँ कि इस बार आपकी जॉब लगना निश्चित है। और शिवा ने अपना क्लियर पूरा फिजिकल कंप्लीट किया है। साथ में ये भी लड़की जब हमारे पास आई थी तब इन्होंने बोला कि सर आपको गोला आ जाना चाहिए, आप तो बोलोगे जितना आप बोलोगे वैसा करने तैयार हूँ, बस एक बार मेरा गोला आ जाए। तो पहले ही दिन कह दिया था हमने इस लड़की को देखकर कि पूरी गारंटी स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारा फिजिकल निकलवाऊंगा। और कहने के साथ यहाँ पे हमने इनका फिजिकल भी पूरा क्लियर करवाया है। और इन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये लोग मैरिट जो लिस्ट बनने वाली है, नॉर्मलाइजेशन एक जिसको बोला जाता है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया नॉर्मलाइजेशन होता कैसा है, क्या फॉर्मूला इसमें डाला जाता है, ठीक है। लेकिन अपन इन लोगों के लिए यही दुआ करते हैं कि जितने भी बच्चे निकल रहे हैं इतनी मेहनत करते हैं तो सभी के सभी बच्चे जॉब पे इस बार निश्चित लग जाएं। अभी हमारा RPF का बैच चल रहा है, RPF में भी कुछ बच्चे SI RPF कांस्टेबल के हैं, कुछ SI वाले हैं, कुछ बॉयज हमारे ग्रुप डी वाले कुछ बच्चे हमारे ग्रुप डी वाले हैं, SSC ग्रुप डी वाले। तो यहाँ से इन लोगों का भी हम फिजिकल निकालेंगे, पूरी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे कि कैसे आपको दौड़ना है, कैसे आपको पास होना है, कैसे आपको निकलना है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।